नमस्कार दोस्तों, मैं फिर हाजिर हुई हूँ आपके लिए एक नया वीडियो लेकर। तो दोस्तों, आज के वीडियो में जो मैं बात करने वाली हूँ, वो बात करने वाली हूँ कि इंडिया के मैप को बड़ी आसानी से कैसे बनाया जाए। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसीजर इस वीडियो में बताऊंगी। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं पहले ही आपको बता देना चाहती हूँ कि ये जो वीडियो है, इस टॉपिक पर मैं दूसरी बार वीडियो बना रही हूँ। पिछले वीडियो में आपको मुझसे ये शिकायत थी कि जो इंडिया का मैप है वो थोड़ा छोटा बन गया था। तो इस वीडियो में मैंने पूरी कोशिश की है कि जो मैप है वो मैं थोड़ा बड़ा बनाऊं, और यहाँ पर मैंने कुछ एडिशनल स्टेप्स भी जोड़े हैं मैप को बनाने में, जो आपको लाभदायक रहेंगे। और ये जो वीडियो रहेगा ये बेटर रहेगा पिछले वीडियो से, और ज्यादा बेनिफिशियल भी रहेगा पिछले वीडियो के कंपैरिजन में। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो दोस्तों देखिए, जो इंडिया का मैप होता है वो कौन सी शेप का होता है? इंडिया की मैप की जो शेप होती है वो होती है कुछ काइट की शेप। कौन से शेप का होता है इंडिया का मैप? कुछ इस शेप का होता है, और कह सकते हैं कि काइट के शेप का होता है। तो चलिए देखते हैं आखिर हम कैसे बनाएंगे मैप। तो हम जो शुरुआत करेंगे इंडिया के मैप बनाने की, वो हम शुरुआत करेंगे कहां से? गुजरात से। चलिए स्टार्ट करते हैं गुजरात से। ये हमारा बन गया गुजरात का पोर्शन, ठीक है? ये बन गया हमारा गुजरात। अब यहां पर आपको एक पॉइंट मार्क करना है। चलिए हम मार्क कर देते हैं एक पॉइंट। ओके, अब इस पॉइंट से क्या आना है आपको? जस्ट स्ट्रेट आना है। ये हम स्ट्रेट आ गए नीचे की तरफ, ठीक है? अब यहां पर एक पॉइंट और मार्क कीजिए आप, ठीक है? और इस पॉइंट से क्या आपको एक बेंड लेना है और फिर स्ट्रेट आ जाना है, ठीक है? जैसे कि ये हम आ गए। तो अब हमारे पास क्या हो गए? दो पॉइंट हो गए। ओके, यहां पर ध्यान रखने वाली बात ये है कि जो ये वाला पोर्शन है, मतलब ये वाला और ये वाला, ये दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। तो ये देखिए, हम यहाँ पे पॉइंट लगा देते हैं, ठीक है? ये क्या होंगे? बराबर होंगे। अब आपको ईस्ट की ओर स्ट्रेट लाइन खींचनी है इन दोनों पॉइंट से। चलिए खींच देते हैं। ये हमारी एक होगी लाइन, अब ये दूसरी लाइन हम खींच देते हैं स्ट्रेट, ठीक है? ये हो गई हमारी दूसरी लाइन दोनों पॉइंट से। ओके, अब क्या करना है आपको? ये वाला जो पॉइंट है जहां पर कृष्णा गोदावरी का डेल्टा मीट करता है, यहां से आपको क्या करना है? इस पॉइंट से जस्ट स्ट्रेट नीचे आना है और फिर कर्व कर्व कर्व, और ये जो पिछला पॉइंट है उससे आपको जोड़ देना है, ठीक है? ये कर दिया। अब इस पॉइंट से हमें आगे की ओर बढ़ना है। ये आपका उड़ीसा वाला सेक्शन आ गया, यहाँ पे पश्चिम बंगाल, और यहां पर क्या हमें पॉइंट को छोड़ देना, ठीक है? अब हम बनाएंगे जस्ट बांग्लादेश का पोर्शन। अब एक चीज और, जो ये वाला पॉइंट है जहां हमने छोड़ा है पॉइंट को, इसके जस्ट ऊपर बनेगा क्या? सिक्किम। तो ये हमने क्या बना दिया यहाँ पे? सिक्किम बना दिया, ठीक है? अब पहले बांग्लादेश कंप्लीट करते हैं। चलिए हम बांग्लादेश बनाते हैं फटाफट। ये आपका बन गया बांग्लादेश, ठीक है? अब ये नॉर्थ ईस्ट वाला पोर्शन हम कंप्लीट करते हैं। चलिए इसको मैं थोड़ा डार्कन कर देती हूं ताकि अच्छे से दिखे वीडियो में, तो ठीक है? अब ये हम नॉर्थ ईस्ट वाला पोर्शन बनाते हैं। ये मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश वाला पोर्शन, और ये हमारा कंप्लीट हो गया नॉर्थ ईस्ट का पोर्शन, ठीक है? अब आपको क्या करना है? जो ये पॉइंट था, कौन सा? जहां पर कृष्णा गोदावरी डेल्टा मीट करता है, इस पॉइंट से जस्ट स्ट्रेट क्या खींचना है? एक लाइन खींचना है। तो चलिए खींच देते हैं। ये हमने क्या खींच दी? जस्ट स्ट्रेट लाइन खींच दी। ओके, अब यहां से
ये हम लाइन खींच चुके हैं। अब इसको यहां पर कंप्लीट करते हैं। यहां पे थोड़ा सा उत्तर प्रदेश का पार्ट आएगा, ओके, और यहां से ये बन गया हमारा पॉइंट, ओके। अब हम आते हैं राजस्थान के पोर्शन के साथ। तो ये रहा हमारा राजस्थान का पोर्शन, यहां से देखते हैं गुजरात से। यहां पर एक माउंटेन टाइप थोड़ा सा पोर्शन बनाना है, या डी कह सकते हैं। अब ये हमारा पोर्शन बन गया राजस्थान परिसर का पोर्शन, ओके। अब ऑलमोस्ट हमारा मैप कंप्लीट हो चुका है। अब हम जम्मू कश्मीर वाला सेक्शन बना लेते हैं। तो चलिए ये हमारा बन गया जम्मू कश्मीर वाला सेक्शन, ठीक है। ये हमारा बन गया जम्मू कश्मीर वाला सेक्शन। तो देखिए दोस्तों, यहां पर एक बात का आपको ध्यान रखना है कि जो ये वाला पोर्शन है और ये वाला पोर्शन, ये बराबर होगा, और जो ये हमने स्ट्रेट लाइन खींची है, मेरा रेड पेन चलना बंद हो गया था इसलिए मैंने ब्लैक पेन से बना दी। जो हमने ये स्ट्रेट लाइन खींची है, तो जो ये वाला पोर्शन है इस पॉइंट से लेकर ये इस पॉइंट तक, ये दोनों पोर्शन क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इनको हम ये बराबर कर देते हैं, ठीक है। तो ये दोनों पोर्शन क्या होंगे, बराबर होंगे। तो देखिए यहां पर मैंने जो मैप है ये थोड़ा बड़ा बनाया है पिछले वीडियो के कंपेरिजन में। और एक और मैं आपको यहां पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगी, मैं उसके लिए स्केल लाई थी। क्या इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगी कि जो ये वाला पॉइंट है, ये जहां पर हमने छोड़ा था, जहां से बांग्लादेश शुरू किया था, ये पॉइंट जस्ट इसके स्ट्रेट में नहीं आएगा, थोड़ा सा नीचे आएगा, ठीक है। तो बिल्कुल स्ट्रेट मत बनाइएगा इस पॉइंट पे। और एक और कि जो ये वाला पॉइंट है जम्मू कश्मीर का, ये वाला पॉइंट और ये जो लास्ट पॉइंट है इंडिया का, ये सीधी लाइन में नहीं होंगे, ठीक है। मतलब थोड़ा सा गैप आएगा ये लास्ट पॉइंट से और यहां से, ठीक है, थोड़ा सा गैप आएगा, मतलब ये सीधे पॉइंट में नहीं होंगे, ओके। तो इन बातों का आप ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों देखा आपने, मैंने बड़ी ही आसानी से इंडिया का मैप कैसे बना दिया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।